आईपीएल 2024 का तीसवा मैच आरसीबी और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम में खेला गया। इस मैच को हैदराबाद ने 25 रन से अपने नाम किया। हैदराबाद के ओपनिंग बैट्समैन ट्रेविस हेड ने 9 चौके और 8 छक्के की मदद से 41 गेंदों में 102 रनों का शतक लगाया। हेड ने 39 गेंदों में शतक पूरा किया। इसी के साथ ट्रेविस हेड आईपीएल में सबसे तेज शतक लगाने वाले 4th खिलाड़ी बन गए हैं। आईपीएल के इतिहास में सबसे तेज शतक क्रिस गेल के नाम पर है। गेल ने 2013 के आईपीएल में पुणे वॉरियर्स के खिलाफ 30 गेंद में शतक पूरा किया था। इसी मैच में क्रिस गेल ने 175 रनों का हाईएस्ट स्कोर भी अपने नाम किया था। आईपीएल का दूसरा सबसे तेज शतक यूसुफ पठान के नाम पर दर्ज है। पठान ने 2010 में मुंबई इंडियंस के विरुद्ध 37 गेंदों में शतक लगाया था। आईपीएल 2013 में आरसीबी के विरुद्ध 38 गेंद में सेंचुरी जमाने वाले डेविड मिलर लिस्ट में तीसरे पायदान पर रहे। 39 बॉल में शतक पूरा करने वाले ट्रेविस हेड नंबर 4 पर हैं। आईपीएल की पांचवी सबसे तेज सेंचुरी डेकन चार्जर्स के एडम गिलक्रिस्ट ने जड़ी थी। गिलक्रिस्ट ने आईपीएल 2008 में मुंबई के खिलाफ 42 गेंद में शतक पूरा किया था। नंबर 6 पर विराजमान आरसीबी के एबी डी विलियर्स ने 43 बॉल में 100 लगाया था। डी विलियर्स ने गुजरात लॉयंस के खिलाफ आईपीएल 2016 में इस कमाल को किया था। हैदराबाद की तरफ से डेविड वार्नर भी 43 गेंदों में शतक जमा चुके हैं। केकेआर के खिलाफ 2017 में वार्नर के बल्ले से 7वां सबसे तेज शतक आया था। इसके बाद लिस्ट में मौजूद सनत जयसूर्या और मयंक अग्रवाल के बल्ले से 45 गेंदों में शतक आया था। जयसूर्या ने 2008 में चेन्नई और मयंक ने 2020 में राजस्थान के खिलाफ ये शतक पूरे किए थे। आईपीएल में सबसे तेज शतक लगाने वाले 10वें खिलाड़ी मुरली विजय हैं। मुरली विजय ने आईपीएल 2010 में राजस्थान के खिलाफ 46 बॉल में सैकड़ा जमाया था।